बेल्जियम की 98% आबादी शहरों में रहती है। ब्रसेल्स शहर यूरोप के बीचों बीच बसा शहर है, जो बेल्जियम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ब्रसेल्स यूरोप के केंद्र में होने की वजह से इसे यूरोप का दिल भी कहा जाता है, और यूरोप यूनियन काउंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण संगठनों का केंद्र ब्रसेल्स को ही बनाया गया है। इसके अलावा भी दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था नाटो का केंद्र भी ब्रसेल्स में ही बनाया गया है। यही कारण है कि ब्रसेल्स को यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है। लेकिन एक बात काफ़ी हैरान करने वाली है कि यहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 25% के आसपास मानी जाती है, जबकि यहाँ पर ईसाइयों की आबादी लगभग 40% के आसपास है। बेल्जियम के साथ एक अनोखापन यह भी है कि 1830 में संवैधानिक राजतंत्र वाला स्वतंत्र देश बनने के बाद से वह उत्तर में डच और दक्षिण में फ्रेंच भाषियों के आपसी टकराव वाले दो पार्टों के बीच पिसता रहा है। चुनावों में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, कोई मिलीजुली सरकार बनने में साल दो साल भी लग जाते हैं। देश कई बार टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। इस कारण देश का शासन तंत्र उतना चुस्त दुरुस्त नहीं है जितना उसे होना चाहिए। देश में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ते जाने से अब हर सरकार को दो के बदले 3 बेमेल समुदायों के स्वार्थों से जूझना पड़ता है। शांति, सहिष्णुता और सद्भावना बनाए रखने के नाम पर इस या उस समुदाय की धौंस धमकी झेलने और तुष्टिकरण के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इसकी खास वजहों के बारे में। ब्रसेल्स यूरोप और लंदन के बीच में एक, जहां के लगभग 100% लोग शहरी सुविधाओं का आनंद लेते हैं। ब्रसेल्स में इनकम करने का जरिया बहुत ही फायदेमंद होने की वजह से, और यहाँ पर लड़के और लड़कियों की इनकम गैप बहुत ही कम होने की वजह से पूरी दुनिया से लोग यहाँ काम करने आते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर बाहर से आए लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। एक चीज़ काफ़ी हैरान करने वाली है कि यहाँ की कुल आबादी का लगभग 70% लोग बाहर से आकर रहते हैं, जिसमें आधी आबादी यूरोप के अन्य देशों से आकर रहती है। बेल्जियम में मुसलमानों का आना 1960 के दशक में शुरू हुआ था। वह यूरोप के दूसरे विश्व युद्ध के बाद के आर्थिक और नवनिर्माण का दशक था। उस समय श्रमिकों की भारी कमी थी, इसीलिए जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और अन्य देशों ने यूरोप के नज़दीकी मुस्लिम देशों से श्रमिकों को बुलाना शुरू किया। बेल्जियम ने पहले मोरक्को और तुर्की से और बाद में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया से 1974 तक प्रवासी श्रमिकों को बुलाया गया, और समय के साथ साथ उन्हें अपने परिवार भी बेल्जियम लाने की छूट दे दी गई। यही कारण है कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, जिस कारण काफ़ी सारे लोग इसे यूरोप का इस्लामिक कैपिटल भी कहते हैं। बेल्जियम यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जिसने इतनी ज़्यादा मात्रा में बाहर के लोगों को नागरिकता दी हो। ब्रसेल्स में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमान फ्रेंच में बात करते हैं, और इन लोगों का रहन सहन भी यूरोपियन लोगों से काफ़ी मिलता जुलता है। चुनाव के समय ब्रसेल्स के हर नागरिक को वोट देना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।